नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम बिना देर के वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम जस्ट आने ही वाला है और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये। और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या? एक तो प्रश्नों को आपको बार बार पढ़ना चाहिए जब तक ये समझ ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रश्न में छुपा होता है इनका हल। अब क्या करना होता है, ये तो हमारा पहला बात होगी कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा बात होता है इनसे हमें समीकरण प्राप्त करना है। यदि हमने समीकरण प्राप्त कर लिया तो समझो हमारा प्रश्न बन गया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें शर्तें क्या क्या है। तो लिखा है दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब इसमें दो संख्या है और वो अलग अलग होगा क्योंकि जो शर्त दिया है वो अलग अलग है। जैसे दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्या है और उनको जोड़ते हैं तो संख्या तो अलग अलग होगा ना। तो सबसे पहले यहां पे आपको लिख लेना पड़ेगा, माना कि दो संख्या, अब दो संख्या अलग अलग है तो माना कि दो संख्या x एवं y है, ठीक है। अब इसी में देखो दो संख्याओं का योग तो 25 है लेकिन उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, मतलब इन संख्याओं का हमें व्युत्क्रम भी मानना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एवं उनके व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम क्रमशः, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। देखो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम मतलब 1/x होगा और इसका 1/y होगा, ठीक है, इतना काम आपको करना है, ठीक है। अब आपको इतना मान लेने के बाद आपको शर्तों में जाना है। तो पहला शर्त देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रथम शर्त से आपको दो शर्त लिखना है, मैंने यहां पे प्रथम शर्त लिख लिखा है। तो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कहते हैं, दो संख्याओं का योग 25 है और हमने दो संख्या कौन कौन सा माना है, एक्स और वाई, तो इसका मतलब हमको पहला समीकरण तो यहीं से मिल गया, x प्लस y बराबर कितना आ गया 25, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा शर्त हम चले जाते हैं, उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है तो इसको हम ये कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं और यहां पर लिखते हैं द्वितीय शर्त से, ठीक है, यहां पर इसका शर्त लिख देंगे द्वितीय शर्त से। ये देखिए मैंने प्रथम शर्त और ये दूसरा शर्त है ना, द्वितीय शर्त से, या फिर आप शर्त अनुसार लिख लिया करें, ठीक है। द्वितीय शर्त क्या बोलता है, उनके व्युत्क्रम का योग, मतलब उनका व्युत्क्रम कौन कौन सा है, x का व्युत्क्रम 1/x है और y का जो व्युत्क्रम है वो 1/y है, तो उनके व्युत्क्रम को यदि जोड़ा जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/4 है, ठीक है। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा तो इसको हल कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, मतलब इसका एलसीएम लेंगे पहले उसके बाद तिर्यक गुणा होगा, तो ये इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई होगा तो वाई का गुणा इनसे होगा तो वाई होगा और एक्स का गुणा इनसे होगा तो एक्स होगा और बराबर होगा 1/4, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर वाई प्लस एक्स है, मतलब ये एक्स प्लस वाई ही तो है ना, तो यहां पर जो एक्स प्लस वाई का मान क्या है यहां से हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से एक्स प्लस वाई का मान किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप लोग यहां पर इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं इतना ही लिखा हूं। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान रखना है तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 25, तो यहां पर x प्लस वाई दोनों मतलब तो एक ही है तो इसका मान कितना रख देंगे, हम यहां पर रख देंगे 25, ठीक है, और एक्स वाई है तो एक्स वाई उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे कितना हो गया 4, तो 4 को इधर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 चौक 100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, तो हमारे पास जगह तो नहीं है तो हम यहां पर बना लेते हैं जगह, इतना हो जाएगा, ये देखिए एक्स और वाई, ठीक है, तो यहां से मतलब आपको समीकरण नंबर क्या करना है, यहां से चाहे तो आप यहीं से किसी का एक का मान निकाल सकते हैं एक्स या वाई का, या फिर यहां से एक्स या वाई का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहां से एक्स या वाई का मान निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था,
25 था, देखिए x प्लस वाई बराबर 25 था, तो यहीं से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस y, ठीक है। अब इस मान को हम बोलते हैं समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, समीकरण नंबर 2 मतलब कौन सा, सॉरी इसको बोलना था, इसको हमें समीकरण नंबर 4 बोल लेना था, इसको हमें समीकरण नंबर 3 बोलना था, ठीक है। 1 2 ये 3 है और ये क्या हो जाएगा 4, तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 एवं 4 से, ठीक है। मतलब इन दोनों समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं x का मान या तो यहां पर ला दें, है ना, तो यहां पर x का मान जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 100 तो पहले से है और x का मान कितना आ गया, यहां पर देखिए x का मान कितना आ गया, यहां पर 25 माइनस y, और बाहर में देखो x का मान रखे हैं तो y तो बचा ही है, तो यहां पर हो जाएगा y, ठीक है। इनको जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, 100 बराबर यहां पर आ जाएगा 25 y और माइनस y का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसको उधर पक्षांतर करें या इन दोनों को इधर लाएं, तो हम ये करते हैं कि इधर वाले जो संख्या दिख रहा है उसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ऐसा करने से ये जो y स्क्वायर ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा और ये जो धनात्मक दिख रहा है वो ऋणात्मक हो जाएगा, 100 तो इधर ही है तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको वर्ग समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे, तो देखिए मैं पक्षांतर कर रहा हूं चिन्ह को बदल के, ये देखो वाई का स्क्वायर हो गया माइनस था प्लस हो गया, ये क्या है प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये तो इधर ही है तो ये हो जाएगा 100 बराबर 0, ठीक है दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना होगा, इनको देखो ये 100 है, यहां पर गुणांक कुछ नहीं है, तो हमें यहां पर देखना है 100 तो 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका हम गुणा करें तो 100 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को यहां पर प्लस है तो उनको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो देखिए वो कौन सा संख्या है, y का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 20 और प्लस 5, बाहर में क्या आ जाएगा y और ये हो जाएगा प्लस 100 बराबर 0। अब इसको हमें दो भागों में तोड़ना होगा, ठीक है। यहां पर क्या क्या हो जाएगा देखिएगा, y का स्क्वायर माइनस 20y और ये प्लस, देखो प्लस माइनस का माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा 5y और बराबर सॉरी प्लस होगा यहां पर हो जाएगा 100 बराबर 0। इन दोनों का जोड़ा बना देंगे और इन दोनों का जोड़ा बना देंगे, तो इन दोनों में क्या निकला जी, इन दोनों में y है तो y को कॉमन निकालेंगे ना, तो क्या बचेगा, y दो बार था एक बार बचा, इसमें y निकल गया तो 20 बचा, इसमें माइनस निकालेंगे तो इसमें 5 निकला तो क्या बचा, y बचा, और देखिए यहां पर प्लस है और हमने माइनस निकाला है तो माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, अब यहां पर बच जाएगा 20 बराबर कितना 0। अब देखिए अंदर का ये वाला भाग दोनों क्या है बराबर है, y माइनस 20 y माइनस 20, तो दोनों से y माइनस 20 को हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं y माइनस 20 को हमने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा, यहां पर y बचा और माइनस 5 बचा बराबर कितना आ गया 0। अब इसका मान हमें पता चल गया है, इसका मान क्या क्या होगा, अब मैं यहां पर लिखता हूं, जगह तो नहीं है, आप इतने का स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, मैं यहां से पुनः बनाता हूं, इतने को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है इतना, ठीक है अब यही पे हम बना लेते हैं, वहां से आएंगे तो ये देखिए y माइनस 20 बराबर हम शून्य लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं y माइनस 5 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, मतलब या तो y का मान 20 आएगा या फिर y का मान कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए आपको x और y दोनों के मान निकालने थे, अब कई बार क्या करते हैं बच्चे इसी को आंसर लिख देते हैं, है ना, लेकिन आप देखिए आपने दोनों ही मान किसके निकाले हैं, y के मान निकाले हैं, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा x के मान भी निकालना पड़ेगा, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जब y बराबर 20, यहां पर बराबर लिखेंगे, जब y बराबर 20 तो x बराबर कितना होगा जी, आपने x का मान कहीं पे निकाला है, कहां पे निकाला है, यहां पर देखिए, ये देखिए समीकरण नंबर 4 से, तो क्या करेंगे जब y बराबर 20 है तो x बराबर कितना आएगा, उसमें देखिए आपको क्या करना है 25 माइनस वाई लिखा है ना, 25 माइनस वाई और वाई का मान आप कितना मार रहे हो 20 मार रहे थे, यहां पर लिख देंगे 20, तो एक्स का मान कितना आएगा 5, तो आपको आंसर को इस प्रकार लिखना है, जब आप वाई का मान को 20 लेंगे तब एक्स का मान 5 आएगा, ऐसा नहीं कि एक्स वाई का मान 20 है और वाई का मान 5 है, ऐसा नहीं है, या फिर इसी को एक का मान एक्स और एक का मान वाई मान दिया, ऐसा नहीं बोलना है,
उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं जब y बराबर क्या हो 5 हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक और चीज कर सकते हैं, तो x का मान क्या होगा, मतलब उल्टा होना है, जब आपने y का मान 20 माना तो x का मान 5 आया, या फिर y का मान जब आप 5 मानोगे तो x का मान कितना आएगा, उसी में मान रखना है, तो 25 माइनस कितना मानना है 5, देखिए तो x का मान कितना आएगा 20 आएगा, कुल मिला के आपके मान वही आएंगे, मतलब आंसर तो उतना ही आना है, लेकिन आपको याद रखना है इसका x का मान और y का मान है, तो आपको क्या करना है, यदि y का मान आप 20 मानते हो तो x का मान 5 लिख देना, और यदि आप y का मान 5 मानते हो तो x का मान को आपको 20 मानना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको प्रश्नों को बनाना है। तो दोस्तों ये छोटा सा गणित आपको पसंद जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।